संवाद लगातार जारी है और रूली एक विकसित क्षेत्र के। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी पांचवी गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे। हिमाचल सरकार का है वादा। तौर पे उभर रहा है हिमाचल प्रदेश की ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें कि हर तरह की सुविधाओं के लिए कदम उठाया जा रहा है। तो पिछले दिनों हमने यहाँ पे जल शक्ति विभाग का डिवीज़न खोला था जो कि बहुत फंक्शनल हो गया है, जिसने काम करना शुरू कर दिया है। आज हमने PWD का डिवीज़न यहाँ पे खोल दिया है और अब ऊना और हरोली के अलग अलग डिवीज़न स्थापित हो गए हैं। इस हमारे इस फैसले से ऊना को भी ऑटोनॉमी मिली है और उनके भी सेपरेट हो गए हैं दोनों डिविजन्स और हमारे भी आज से ये फंक्शनल कर रहे हैं। और इस टेन्योर के दौरान जो है हरोली निर्णायक विकास की तरफ जा रहा है कि कोई भी ऐसी कमी यहाँ पे नहीं रहेगी जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिसकी ज़रूरत हो। और हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल यहाँ पे स्थापित है, आज उसी कड़ी में जो है दूसरा पुल उसका भूमि पूजन हमने रखा है और 52 करोड़ रुपए की लागत से वो पुल भी आज से उसका काम शुरू हो जाएगा। तो हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 4 बड़े पुल हो जाएंगे, एक संतोगढ़ में है, एक यहाँ पे हरोली में है रोड़ा, और एक धनवाल में है, और चौथा आज से जिसका निर्माण शुरू होना है। और सड़कों का भी बड़े पैमाने पे काम शुरू हो रहा है और आज 5 तो और पंचायत घर हैं जिनको कि 1,14,00,000 रुपये की राशि लागत से 5 पंचायत घरों के भी काम शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें 2 का फाउंडेशन स्टोन हम रखाए हैं बाथू में और कुंगड़त में, और लोअर खड और बडेड़ा समनाल वो भी आज जो है उनको भी हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो पंचायतों के पास अच्छे पंचायत घर हो जाए। इससे पहले यहाँ पे हमने हरोली में सेकंड थाना भी जो है हमने टालीवाल का थाना बातू में खोला है। तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे नज़र आ रही है, कॉलेज का निर्माण यहाँ पे चल रहा है हरोली के कॉलेज का, और 3 कॉलेज हमारे यहाँ पे हो गए, और उसके बाद सेंट्रल स्कूल यहाँ पे शुरू हो गया है और उसका भी शुभारंभ हो चुका है, और वो भी बहुत ही मेहनत मशक्क़त के साथ यहाँ पे लाया गया। तो यहाँ पे IIIT हो गई है यहाँ पे, उसके बाद सेंट्रल स्कूल हो गया है, और उसके बाद 3 कॉलेज हो गए हैं, 2 ITIs हो गई हैं, अपंडोगा की ITI का भी शुभारंभ हो गया है, और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट सेंटर का करार हमारा IIIT स्लो के साथ सहमति हमारी बन गई, अब हम उनके साथ हम करार करेंगे। तो हर तरफ जो भी मांग हो रही है उसको पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हरोली जो पंचायत है
हरोली इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का दिल है, लेकिन हरोली में अब आपके पास SDM बैठते हैं, DSP यहाँ पे हो गए हैं, कॉलेज यहाँ पे हो गया है, बस अड्डे का निर्माण यहाँ पे शुरू हो चुका है, सर्किट हाउस यहाँ पे बन रहा है, और इसके बाद यहाँ पे एक पशुओं का बड़ा अस्पताल हम खोलने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, वो भी हरोली में हम खोलेंगे। पॉली क्लिनिक पहले से ही लल्दी में वर्क कर रही है। तो जो जो भी डिमांड्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उनको 100 बेड से 100 बेड हरोली अस्पताल को कर दिया गया है। हमारा जो हरोली उत्सव होता है उसको भी राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान कर दिया गया है। भालियाल में PHC का खोलने का फैसला हम कर चुके हैं, और इसके अलावा बड़े पैमाने पे यहाँ पे हम नौकरियाँ दे रहे हैं बच्चों को, ताकि जो सबसे वक्त की ज़रूरत है, लोग बच्चे नौकरियाँ चाहते हैं, सरकारी नौकरियाँ चाहते हैं, उसकी पूर्ति के लिए भी बड़े पैमाने पे कदम उठाए जा रहे हैं।